दिव्यांका नमस्कार। दिव्यांका क्या पढ़ती हो? जी सर, मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। और पुष्कर की ही रहने वाली हो? जी सर। तो पुष्कर की कोई पवित्र चीज का मुझे वर्णन करोगी? क्या है पुष्कर की विशेषता? पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। हाँ। और जो पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों का गुरु है। अच्छा, ब्रह्मा का क्या रोल रहा है? जी, उन्होंने पृथ्वी को क्रिएट किया है। अच्छा अच्छा, बताइए दिव्यांका, क्या सवाल था आपके मन में? सर, मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है। वे किसी भी विषय को कितना भी पढ़ ले, वे परीक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं। सर, वे ऐसा क्या करें कि वे उस विषय को याद रख सके? अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए। जी सर। देखिए दिव्यांका, आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे आपकी मदर टंग, क्या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था क्या, सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं, नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं? जी नहीं। हाँ, ये सब सुन करके सीखी। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है, क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना, यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। सहजता, सरलता, समग्रता के साथ आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं है। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपने, आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा, एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में है उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है, अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगमन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ
जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए, पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को, मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा, मन ही विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे, यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपके पास नोटबुक्स होती हैं, अलग अलग विषयों की किताबें होती हैं। आप जब भी घर से निकले ये तय करके निकले कि बैग में इतने नंबर पर इस विषय की नोटबुक होगी और इतने नंबर पर इस विषय की किताब होगी, चौथे नंबर पे हो सकती है, तीसरी पर हो सकती है, और आपने अगर तीन नंबर पर हिस्ट्री की किताब रखी है, पांच नंबर पर भूगोल की किताब रखी है, तो जब भी आप हिस्ट्री की किताब निकालने जाएं तो बिल्कुल आंख बंद करके तीन नंबर की किताब निकालते हैं आप, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला, और मैं राजस्थान के लोगों को भी और पुष्कर की पवित्र धरती को भी आज यहाँ से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।